के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 गोरखपुर को स्वच्छ बनाने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में दीप प्रज्वलन कर किया शुभारंभ। दिलाया स्वच्छता के प्रति गांधी जी के विचारों की शपथ, फिर विशाल रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का खेल मंत्री ने किया उद्घाटन। उद्घाटन मैच में बीएसएफ के जवानों ने बीएसएनएल दिल्ली को 36-32 के अंतर से दिया मात। गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पद यात्रा का हुआ शुभारंभ। गोरखपुर विश्वविद्यालय में शैक्षिक वातावरण को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए परिसर में बाहरी व्यक्ति या संगठन के द्वारा बिना अनुमति लिए किसी प्रकार का कार्यक्रम करना पूर्णतया प्रतिबंधित। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जनसंपर्क अधिकारी ने दी जानकारी। जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। DIOS ने कहा, प्रदर्शनी से होती है छात्रों में छिपी प्रतिभा का निखार। 7 सूत्रीय मांग को लेकर महाविद्यालय शिक्षक संघ ग्वाक्टा के सदस्यों ने दिया धरना। मांगे पूरी नहीं होने पर परीक्षा कार्यों के बहिष्कार का किया ऐलान। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने निकाली जागरूकता रैली। जिला क्षय रोग अधिकारी ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। गोरखपुर विश्वविद्यालय में UGC ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर के सहयोग से रिसेंट थियोरीज एंड मेथड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया विषय पर 21 दिसंबर तक आयोजित पुनश्चर्या पर वक्ताओं ने रखे अपने विचार। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के अंतर्गत लोन के लिए 8 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। उपायुक्त उद्योग पूजा श्रीवास्तव ने दी जानकारी। 27 नवंबर को गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में हुए 2 छात्र संगठनों के विवाद में निलंबित 4 छात्रों का निलंबन हुआ वापस। चीफ प्रॉक्टर गोपाल प्रसाद ने दी जानकारी। वार्षिक उत्सव समारोह में फैशन शो के माध्यम से छात्राओं ने विभिन्न वेशभूषा में दिखाया अपना हुनर। और GCA Under-16 इंटर डिस्ट्रिक्ट लीग में गौतम बुद्ध क्रिकेट एकेडमी ने SKP बस्ती को 65 रनों से हराया।